नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमीत सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर सिंह मैकेनिकल। दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सॉलिड S2 डिजिटल सेट फाइंडर की, जिसे कि हम डिजिटल सेटेलाइट DB मीटर भी कहते हैं। इसका मॉडल नंबर है SF720 और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आइए, चलिए दोस्तों इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्तों हमें मिलता है ये यूजर मैनुअल, जिसमें कि सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको। आप इनके इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि इसको कैसे यूज करना है और ये कैसे काम करता है। सारे ही इंफॉर्मेशन इसमें है। उसके बाद आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें हमें मिला क्या क्या है। सबसे पहले ये हमारा मेन जो हमारा मीटर है, ये है हमारे पास। ये इसका एक चार्जर है, अच्छा चार्जर है, ये क्वालिटी इसकी अच्छी है। इसके बाद अब हमें ये कनेक्टर मिला है, जैसे कि हम मीटर से कनेक्ट करके अपनी सर्विस केबल लगा के, जो हम LNB में लगाते हैं केबल, उसको इसमें जोड़ के हम इसमें सिग्नल्स वगैरह देख सकते हैं। इस केबल को जोड़ने के लिए इस कनेक्टर को आपको सिंपल वे में ऐसे जोड़ देना है, ये आपका अटैच हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपको केबल जोड़नी है और ये आपका काम करेगा। आइए अब हम इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ इसका ऑन ऑफ स्विच दिया है, पावर स्विच इसका। उसके बाद इसमें यहाँ चार्जिंग जैक दिया है इसका और एक USB पोर्ट दी हुई है। इसके थ्रू आप इसके सॉफ्टवेयर वगैरह को अपडेट कर सकते हैं। पीछे रात में काम करने के लिए एक LED बैकलाइट भी दी हुई है। अब हम दोस्तों इसे ओपन ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। हाँ दोस्तों, इसमें एक कंपास भी दिया हुआ है, जिस कंपास के थ्रू आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ को समझ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आइए हम इसे ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑन हो गया है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है इसका। एक ऑप्शन इसमें दिया है फाइंड का, दूसरा ऑप्शन दिया इसमें स्पेक्ट्रम, तीसरा ऑप्शन है इसमें लिस्ट का, चौथा ऑप्शन है इसमें सैटेलाइट, TP और सेटअप का। तो सबसे पहले आइए दोस्तों हम फाइंड को देखते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हमें करना क्या, ओके के बटन को प्रेस करना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे पास फाइंड के ऑप्शन में ये हमारे पास ऐसा कुछ इंटरफेस आता है, आप देख पा रहे हो, ये देखिए क्लियर एकदम। सैटेलाइट डायलॉग DTH, LNB यूनिवर्सल, TP 11468 वर्टिकल, 27689, 22K ऑटो, डिस्क UC ऑफ, बज ऑन, और यहाँ आपको सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर हमें डायलॉग DTH पे ना जाके हमें दूसरे किसी पे जाना है, तो सिंपली हम यहाँ ऊपर इस पे जाएंगे, ओके को प्रेस करेंगे। देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी दिखा रहा है। फिर हम मीनू प्रेस करेंगे, फाइंड में जाएंगे और यहाँ हम इस बटन को क्लिक करेंगे और ये हमारा ओपन हो गया लिस्ट हमारी। अब हमें एयरटेल पे जाना हो या किसी पे जाना हो तो अप एंड डाउन एरो से हम इसे चेंज करेंगे। जैसे हमें वीडियोकॉन D2S सेट करनी है तो वीडियोकॉन पे करके हम ओके बटन दबाएंगे, तो यहाँ वीडियोकॉन की फ्रिक्वेंसी वगैरह आ जाएंगी और आप उस फ्रिक्वेंसी पे एडजस्ट करके अपनी डिश को सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक बार मीनू प्रेस करते हैं, हम चलते हैं सैटेलाइट पे, नीचे आए सैटेलाइट पे, हमने सैटेलाइट पे किया, ऐड सैटेलाइट का ऑप्शन आता है, जिसमें आप सैटेलाइट, अगर इसके ज्यादा और सैटेलाइट आपको ऐड करनी हो तो आप इसमें जाके ऑप्शंस दिए हुए हैं, सैटेलाइट को आप नाम डालें, LNB की फ्रिक्वेंसी डालें, 22 की अपना डालें और अपना लॉन्गिट्यूड वगैरह डालें और ये उस सैटेलाइट को ओके कर दें। ये सैटेलाइट सेव हो जाएगी और आप उस सैटेलाइट को भी भविष्य में कभी ट्रैक करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम मेनू को दोबारा प्रेस करते हैं, फिर सैटेलाइट में जाते हैं, मॉडिफाइड सैटेलाइट है। अगर आपको सैटेलाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, आपको उसमें कुछ बदलाव करने हैं तो उसको कर सकते हैं। डिलीट सैटेलाइट के ऑप्शन में जाके आप अगर किसी सैटेलाइट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। इससे बाहर निकलते हैं, अब आ जाते हैं हम TP पे, इसको ओके करते हैं तो ऐड ट्रांसपोर्टर का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टर को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं।
ये देखिए डायलॉग डीटीएच का है, इसमें ट्रांस फ्रिक्वेंसी और सिंबल रेट दिया हुआ है, पोलैरिटी दी हुई है। अगर हमें इसमें और भी कोई डायलॉग डीटीएच में और भी कोई ट्रांसपॉन्डर फीड करना है तो हम इसमें जाके फीड कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी फीड कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। सेटअप में चले जाते हैं दोस्तों, ऑन करते हैं, ओएसडी लैंग्वेज का सेटअप आ गया, ऑपरेट यूएसबी डिस्क ऑपरेशन आ गया, आपका रीसेट टू फैक्ट्री आ गया, मतलब काफी इसमें और भी ऑप्शंस है, चेंज कलर का ऑप्शन है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। लिस्ट में चले जाते हैं दोस्तों, यहाँ आप मैनुअल चेक कर सकते हैं, ऑटो चेक कर सकते हैं, तो यहाँ ऑटो चेक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। डायलॉग डीटीएच, एयरटेल, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, सन डायरेक्ट, मतलब जितने भी आपके सैटेलाइट इसमें सेव हैं सब के सब इसमें आपको शो करेंगे कौन सा कौन का सैटेलाइट आपका सेव है इसमें, और आप उस सैटेलाइट को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी ही अच्छा डीबी मीटर है, सैटेलाइट ढूंढने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें बैटरी दी हुई है, अभी मैं आपको बैटरी भी दिखाऊंगा इसकी, साथ में रात में काम करने के लिए पीछे एक बैकलाइट दी है जैसे कि आप ऑन कर सकते हैं, और ये देखिए आपकी बैकलाइट ऑन है, रोशनी की समस्या नहीं होगी आपको रात में काम करने के लिए, अच्छा बैटरी बैकअप है इसका। अब आइए दोस्तों हम इसकी बैकलाइट को एक बार देखते हैं, चेक करते हैं, इसकी बैटरी को देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसके लिए हम इसे ऑफ करते हैं, एक बार इसकी कवर को ओपन करते हैं, सबसे पहले हम इसका कनेक्टर खोल लेते हैं, एक बार इसके कवर को ओपन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ एक वारंटी सील लगी हुई है, इस वारंटी सील को अगर हम छेड़ते हैं तो हमारी वारंटी खत्म हो जाती है, इसलिए मैं इसकी बैटरी को ही ओपन करूंगा, मैंने आपको एक दिखाने के लिए इसको खोला, अगर इस सील को हम ओपन कर देंगे तो हमारी वारंटी खत्म हो जाएगी। डीसी 12 वोल्ट ऑपरेटेड है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सैटेलाइट फाइंडर है, आप इसे खरीद सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है ये। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मीटर, सैटेलाइट मीटर फाइंडर ये पसंद आया होगा, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब के लिए नमस्कार।